भारतीय सेना का एक खुफिया ऑपरेशन जिसका नाम था कैक्टस, जो अगर ना हुआ होता तो आज मालदीव उग्रवादियों के हाथों में होता। इस ऑपरेशन कैक्टस को भारतीय सेना ने कैसे अंजाम दिया, चलिए जानते हैं। दरअसल 3 नवंबर 1988 को एक श्रीलंकन उग्रवादी संगठन ने मालदीव में तख्ता पलट करने की कोशिश की। इससे पहले 2 बार की गई कोशिशों के बाद इस बार मालदीव के एक बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुतुफी के सपोर्ट से 200 श्रीलंकन उग्रवादियों ने मालदीव की राजधानी माले पर कब्जा कर लिया था। इसे देखकर उस समय के मालदीवियन राष्ट्रपति अब्दुल गयोम ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मदद मांगी, जिसके बाद राजीव गांधी ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारत की वायुसेना और थल सेना के 1600 जवानों को मालदीव के हुलहुले आइलैंड पर भेज दिया। और कुछ ही देर में भारतीय सेना ने उग्रवादियों को माले से बाहर खदेड़ दिया और इंडियन नेवी की मदद से भागे हुए उग्रवादियों को मार गिराया गया। और कुछ इस तरह से भारत ने मालदीव सरकार का तख्ता पलट होने से बचा लिया। गाइस, इस बात पर इंडियन आर्मी के लिए एक हार्ट तो बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।